नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं हमेशा इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ और उसके बाद में लास्ट में मैं उसका बजट भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान किया डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वह आप तक पहुँच जाए। तो देखिए स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है जिसका प्लॉट का साइज़ आप समझ लीजिए। देखिए प्लॉट का साइज़ है 23 फीट बाय 52 फीट 6 इंच का इसका प्लॉट का साइज़ है। लेकिन देखेंगे तो देखिए कंस्ट्रक्शन का एरिया कम है, लगभग 1000 स्क्वायर फुट के आसपास है या 1000 स्क्वायर फुट के कम ही अंदर ही आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 3 फीट 4 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है, इस साइड में भी 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है और फ्रंट में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑफसेट छोड़ा गया है। तो ये 1000 स्क्वायर फुट के अंदर ही प्लान बैठ जाएगा। आउटर वॉल जो है 9 इंच की रहेगी और इनर वॉल जो है 4 इंच की रहेगी। तो ये वॉल जो है आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 6 इंच का भी कोई कुछ लोग वॉल रखते हैं तो 6 इंच का भी वॉल आप रख सकते हैं। और प्लान समझ लीजिए, देखिए प्लान है, इस साइड में रोड है, इस साइड में दूसरों की जगह है, इस साइड में दूसरों की जगह है, पीछे भी दूसरों की जगह है, लेकिन हमने ऑफसेट छोड़ा है तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। रोड से जैसे हम एंट्री करें यहाँ पर पार्किंग के लिए एरिया मिल रहा है। देखिए स्टेयरकेस के लगभग ये यहाँ तक हमारी पार्किंग हो जाएगी। 14 फीट का पार्किंग का एरिया मिल रहा है और 10 फीट 1 इंच हमें यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। और इसके बाद में मतलब यहाँ से कार आराम से पार्क हो जाएगी। उसके बाद में इस वरांडे पर पहुँच रहे हैं। देखिए वरांडे से एक तो लिविंग रूम में एंट्री करते हैं और फर्स्ट फ्लोर की तरफ यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। और इस लैंडिंग के स्टेयर केस के सपोर्ट के लिए जो कॉलम यूज़ करेंगे तो यह कॉलम जो है हमारी बाउंड्री वॉल पर रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा ताकि हमें पार्किंग के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद में हम लिविंग रूम में एंट्री करेंगे। 15 फीट बाय 11 फीट का इस लिविंग रूम का साइज रहेगा। इसको देखेंगे तो विंडोज जो है काफ़ी बढ़िया है, एक बड़ा सा हम विंडो यहाँ पे लगा सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और उसके बाद में हम देखिए इस एरिया में पहुँच रहे हैं। देखिए टॉयलेट है यहाँ पे और यहाँ पे बाथरूम है, 6 फीट बाय 4 फीट का बाथरूम है। टॉयलेट भी 4 फीट बाय 3 फीट 2 इंच का है, रेगुलर साइज़ का है। यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन बताया गया है और इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए एक पीछे ओपन डक्ट रखा गया है। इससे क्या होगा तो इस दोनों को वेंटिलेशन मिलेगा। उसके बाद में हम डायरेक्टली डाइनिंग में एंट्री करें। देखिए डाइनिंग का पैसेज जो है 9 फीट बाय 7 फीट का है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। और इसको एक डोर दिया गया है ताकि यहाँ से वॉश एरिया के लिए हम किचन से यहाँ से निकल सकते बाहर, ठीक है। मतलब ये वॉश एरिया है, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में किचन है, किचन का साइज़ जो है लगभग 12 फीट बाय 8 फीट 6 इंच का है। उसमें एक स्टोर रूम भी एडजस्ट किया गया है और दो विंडोज दिए गए हैं तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसके देखेंगे तो इस डाइनिंग को भी हम यहाँ पे एक छोटा सा विंडो हम लगा सकते हैं ताकि यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिले। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए हम छोटी सी ये बेडरूम है, बेडरूम का साइज़ जो है 10 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का है, मतलब लगभग 10 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। दो विंडो दिए गए हैं तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा और एक डोर भी दिया गया है पीछे की साइड में, मतलब ये पीछे का जो ऑफसेट है इस डोर से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यह डोर रख सकते हैं और अगर आपको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डोर रहेगा, इस मास्टर बेडरूम में हम एंट्री करेंगे जिसका साइज़ मिल रहा है हमें 11 फीट 8 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का, मतलब 11 फीट 8 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का इस मास्टर बेडरूम का साइज़ है। इसको भी देखेंगे तो एक डोर दिया गया है पीछे साइड में और एक विंडो दिया गया है यहाँ पे, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यह डोर जो है आप लगे तो कैंसिल भी कर सकते हैं या रख भी सकते हैं। उसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है। देखिए 4 फीट बाय 6 फीट 4 इंच का इस अटैच टॉयलेट बाथरूम है तो काफ़ी बढ़िया हमें इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन मिलेगा, मतलब काफ़ी बढ़िया इस रूम का यूज़ हो सकता है क्योंकि अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है। तो इस टाइप में लगभग यह प्लान बनाया गया था अंडर 1000 स्क्वायर फुट, मतलब 1000 स्क्वायर फुट के अंदर ही यह पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसका जो बजट है आज की डेट में, आज की तारीख में, आज जो जिस दिन का यह वीडियो अपलोड किया है वह तारीख आज चेक क्लिक कर लीजिए, इस तारीख का मैं बजट आपको बता रहा हूँ। और यह बजट जो है लगभग इंडिया में ही और कुछ ही राज्यों में यह लागू हो सकता है। इसका बजट है लगभग 15 लाख, मतलब 15 लाख तक उसका बजट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।